ये बाबा जी बैठे हैं हमारे यहाँ के, और इधर ये नाग देवता का प्रतिमा बनाई गई है। अभी आपको कैसे दिखाते हैं, ये देखो अभी थोड़ा कलर डाउन हो गया, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये सब मिठाई वगैरह पेड़े वगैरह लगे हुए हैं, बर्फी। फन देख रहे हो, एकदम रियल जैसे लग रहे हैं। ये शिव जी की प्रतिमा लगाई है यहाँ पर, शिवलिंग की। और अभी आपको मंदिर की, जो पुराने जमाने में कैसा बनता था वो मंदिर देखो आप, ये देख रहे हो, चार दीवार के बराबर एक मंदिर है, एक दीवार है यहाँ मंदिर की। अंदर का वीडियो बना नहीं सकते यार, परमिशन नहीं है। और भाई ये वाली जितनी दीवार है ना, ये वाली चार दीवार खड़ी कर लो, उतना मोटा है एक एक दीवार मंदिर का, बहुत ज़्यादा मतलब है। इधर से ऐसा दिख रहा है और सामने से, पहले टाइल्स वगैरह नहीं लगी थी, अब तो लगा दी गई, बढ़िया हो गया। अब तो पीछे से भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो कितना मतलब भारी मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा दूर से ही दिखाई देता है। और यहाँ से देखो एक वो मंदिर बनाया गया है, छोटा सा है, बन रहा है एक्चुअली में पूरा। और इधर से नज़ारा देखो भाई, क्या कमाल का दिखता है भाई, इतनी ऊंचे से, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर। और इधर एक तालाब है, तालाब बोल सकते हो, नहा सकते हो, मगर कोई जल्दी नहाता नहीं है। यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर है मंदिर, हम यहाँ पर खड़े हैं। और ये देखो तो वहाँ इतना दूर, काफ़ी दूर है ये पूरा मंदिर था। इधर ऊपर उठाता हूँ, वो फिर दिखाई देता है त्रिशूल शिव जी का। और भी मंदिर हैं बहुत सारे, अभी आपको दिखाते हैं, देखना। और यहाँ पर भाई प्रसाद बचा बचा के चढ़ाना पड़ता है, बंदर बहुत ज्यादा है। ये देखो ये है शिव जी का, दुर्गा माता का मंदिर। फोटो नहीं लेना है तो इधर आ जाओ। और ये देखो ये दुर्गा माता का मंदिर है, हमारे गांव के ही मतलब हमारे भाई लगते हैं बड़े, वही उन्होंने बनवाया था। काफी ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। ये देखो ये छोटू छुप गया है वीडियो के चक्कर में। और इधर एक शिव जी का मंदिर है, इसके अंदर तो जा सकते हैं अपन, लेकिन वैसे मंदिर के अंदर वीडियो नहीं बनाने चाहिए। ये देखो ये है, दो लोग खड़े हैं पहले से प्रसाद उठाने के लिए, है ना। तुम लोग क्या कर रहे हो मंदिर में? ये देखो जो बता रहा था ना, प्रसाद बचा बचा के रखना पड़ता है। ये देखो ये बंदर है, ये लोग प्रसाद छीन लेते हैं हाथ से, इस वजह से जो है बचा बचा के रखना पड़ता है अपना प्रसाद खुद। वहाँ बहुत सारे मतलब बंदर हैं। और इधर दुकान वगैरह लेडीज वगैरह के लिए सामान दिखता है सारा, सिंगार वाला। इधर प्रसाद, ये आंटी बैठी है प्रसाद बेच रही है, वहाँ पर भी प्रसाद बिक रहा है। ये देखो और भी दुकानें बहुत सारी हैं, नीलम ये देखो यहाँ पर खड़ी है, देख रहे हैं। इधर जिसको खाना पीना है, खाने पीने के लिए समोसे वगैरह बिक रहे हैं। ये है यज्ञशाला जिसमें यज्ञ वगैरह हो सकती है। ये है एक हनुमान जी का मंदिर, इधर है शिव जी का मंदिर, ये है हमारे नागेश्वर बाबा का गेट। और अभी सुबह सुबह है तो भीड़ कम है, नहीं तो अभी थोड़ी देर हो जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी।